गाइस आज की वीडियो में कुछ इस टाइप की क्रिएटिव फ्रेम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख सकते हो मैं लाइटरूम में फोटो ओपन कर चुका हूँ। फिर से आपको कलर टूल पे क्लिक करना है, फिर आपको मिक्स टूल पे क्लिक करना है, फिर आपको ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। फिर इसका यू पूरा डाउन कर देना है, यानी माइनस के साइड लेके जाना है। फिर हम लोग इसकी सिचुएशन ऐसे फुल कर देंगे। फिर हम लोग येलो वाले पे आएंगे, इसका यू हम लोग 50 के अराउंड इसकी सिचुएशन फुल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ऑरेंज वाले पे आएंगे, इसकी सिचुएशन को हम लोग माइनस के सेट करेंगे, लूमेन इंक्रीज करेंगे। फिर आपको जितना वाइट करना है, फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा ही कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको ऑरेंज वाले पे आना है, इसके सिचुएशन इंक्रीज कर देना है, फिर यहाँ से डन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको स्टाइल वाले पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। फिर हम लोग पिक्सआर्ट ओपन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैं लाइट पिक्सआर्ट में फोटो ओपन कर चुका हूँ। फिर यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके ये फ्रेम वाली PNG का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम पे आपको PNG का लिंक मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे एडजस्ट करके फिर यहाँ से आपको डन कर देना है। फिर यहाँ से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करके फिर यहाँ से इसकी सिचुएशन पूरी माइनस कर देना है। फिर यहाँ से इरेजर वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से शेप वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से फिर एक बार टाइप करेंगे, फिर यहाँ से इसकी हार्डनेस ऐसे फुल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे अपने फ्रेम के अंदर मॉडल को शिप रखेंगे, सेट कर लेंगे शेप को। फिर उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, फिर यहाँ से डन कर देंगे, फिर यहाँ से भी डन कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग ड्रॉ वाले टूल पे जाएंगे, ड्रॉ वाले टूल पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव टू इमेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, और आप ऐसे इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना। तो जैसे